हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज का जो वीडियो है वो है एक मैं मास्क यूज करती हूँ, शीट मास्क, तो उस पर है क्योंकि मैं बाहर की बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट ज्यादा घर पे नहीं बना सकते या फिर रेमेडी यूज नहीं कर सकते हैं। बाहर के बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ अपने फेस पर, रेगुलरली में यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी जो क्रीम का वीडियो दिया है तो वो भी मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, और मैं और भी कोई क्रीम नहीं यूज करती हूँ सिवाय उसके, तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे। देन अब जो मैं आपको मास्क दिखाने वाली हूँ वो भी शीट मास्क में। शीट मास्क आप कोई सा भी यूज करें, बट जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें अगर यूज करोगे तो और ज्यादा इफेक्ट उसका अच्छा आता है। इसीलिए तो आज का जो शीट मास्क है वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, और जिस चीज को मैंने यूज किया है वो आप उसके गुण आप सभी जानते हो कि क्या है। तो अगर हम उसे खाते हैं तो भी बहुत अच्छे गुण देता है, अगर हम इसे लगाते हैं तो भी बहुत अच्छे गुण देता है। तो वो कैसे बनाना है और कैसे लगाना है तो आगे हम वीडियो में देखेंगे, पर आप देख सकते हो मेरे फेस पर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इस टाइम मैंने खाली जॉनसन बेबी का जो ऑयल है वो अप्लाई किया है और कुछ अप्लाई नहीं किया है। अभी मैं फेस अपना वॉश कर लूंगी, और ये जो शीट मास्क है उसे मैं वीक में एक बार ही अप्लाई करती हूँ। तो आप वीक में कभी भी चुकंदर लाएं, चुकंदर से ही ये शीट मास्क जो है वो तैयार किया है। मास्क को मैंने यूज किया है, उसको आप रेगुलर ही यूज कर सकते हैं वॉश करके, तो इजी रहता है। वरना आपके पास कोई भी टॉवल या फिर कोई भी टिश्यू जो होता है ना कपड़े वाला वो हो तो उससे आप मास्क बना सकते हो, या फिर बाजार में बने बनाए भी मिलते हैं तो वो भी ले सकते हो आप। और अगर नहीं पैसे स्पेंड करना चाहते हो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक आध शीट मास्क तो हर कोई यूज ही कर लेता है। इसीलिए तो ये शीट मास्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो आपके फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स या ऐसा कुछ होगा, आप देख सकते हो ये वाला जो मास्क है वो ज्यादा दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि ये मेरा जन्म का है, जो बोलते हैं ना जन्म से ही होता है बर्थ मार्क, तो आप देख सकते हो ये मेरा बर्थ मार्क है। तो ये है, तो ये तो जाने वाला है नहीं, इसलिए शूट करने जा रही हूँ। इसीलिए तो मैंने जॉनसन बेबी का ऑयल जो है उसे अप्लाई कर लिया था, उसके बाद मैं फेस वॉश करके और फिर वीडियो बनाने बैठूंगी। तो आप देख सकते हो कि ये कैसे बनाया है मैंने, तो आगे वीडियो में देखिएगा। बट इस टाइम देख सकते हो आप, मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है, तो बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है उससे। तो मैं क्यों बता रही हूँ आपका, वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हो ये है हनी, आप चाहे तो कोई सा भी हनी ले सकते हो। देन दूसरा है बीट रूट का जूस, जो आप नॉर्मली पीते भी हो, तो मैंने उसे ही यूज किया है पीस कर, आप देख सकते हो। और एक खाली कटोरी या जो कोई भी कंटेनर या जो भी हो तो वो आप ले सकते हो। देन आपके पास कोई भी शीट मास्क पड़ा हो, आप अगर ऐसे शीट मास्क नहीं जानते कि कैसे यूज करना है तो आप देख सकते हो कोई सा भी शीट मास्क आप ले सकते हो, या फिर आपके पास कॉटन टॉवल हो तो वो भी आप ले सकते हो, जैसे कि रुमाल होता है छोटा। और मेरे पास ये पहले का शीट मास्क था और मैं इसे वॉश करके हमेशा ही यूज कर लेती हूँ। आपके पास कोई भी शीट मास्क हो तो उसको आप वॉश करके यूज कर सकते हैं। देन मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको सही ना लगे तो सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसीलिए, पर वीडियो आपको डालना जरूरी है तो प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा पूरा एंड तक, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हो फर्स्ट मैंने डाबर हनी ले लिया है, आप एक चम्मच नहीं लेना है आपको, सॉरी आधा चम्मच लेना है। तो आप देख सकते हो आधा चम्मच हनी ले लेना है, और देन उसके बाद आपको जो मैंने बीटरूट का जूस बताया है वो लेना है। सिंपल दो इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं इसमें, और ऐसा कुछ आप देख सकते हो सीरम सा बन जाएगा। और इसमें जो भी आपका ये फेस पैक या फिर रुमाल या फिर जो भी समझ लीजिए इसे, तो वो आपको डुबोना है पूरा का पूरा। आप देख सकते हो उसको थोड़ा सा डूबे रहने देंगे थोड़ी देर, अच्छे से ये सारा सोक कर ले इसका, आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो मेरी स्किन, मैं ज्यादा कुछ नहीं अप्लाई करती हूँ अपने स्किन केयर में, घर के ही चीजों से करना पसंद करती हूँ ज्यादा। तो आप देख सकते हो मैं ये अपने फेस पर अप्लाई करूंगी, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऐसे ही आपको अप्लाई करना है इसे। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें से निकाल देंगे वरना ये नीचे गिरेगा इसीलिए। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी है और इसको निकाल भी दिया है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको मैसी भी ना लगे और आपको लग भी जाए। तो आप देख सकते हो ऐसे आपको शीट मास्क जैसे आप नॉर्मली अप्लाई करते हो तो इसी तरीके से करना है।
अगर ये लगे आपको कि सूखा है थोड़ा, तो आप इसके ऊपर फिर से जो भी सीरम है उसे अप्लाई कर लेंगे। देख सकते हो मैं जैसे अप्लाई कर रही हूँ उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। आप चाहे तो कॉटन भी लेकर अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है तो आप कॉटन भी यूज कर सकते हो। और आपको छोड़ देना है इसे 10 या 15 या 20 मिनट के लिए, आप जितना कंफर्टेबल हो उतना आप छोड़ सकते हो, उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हो ये चीज मास्क सूख गया है और इसमें इसे मैं रिमूव कर दूंगी, आप देख सकते हो। और मैं इसे फिर से वॉश करके ही दोबारा यूज करूंगी, अच्छे से इसको क्लीन करना है तो हम बाद में यूज कर लेंगे। और जितना भी सीरम हमारे फेस पे बचा हुआ है उसे हम अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूंगी। देन आप देख सकते हो मेरे फेस पर कितना ग्लो आ गया है इसे यूज करने से। तो गाइज आप इसे दिन ब दिन यूज करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका रिजल्ट जो है वो दिख जाएगा। और मैं ये फेस पैक रेगुलरली यूज करती हूँ और आप देख सकते हो जो क्रीम मैंने आपको बताई थी वो भी मैं रेगुलरली ही यूज करती हूँ और उसपे भी बहुत अच्छे आप मेरे को प्यार दे रहे हो। तो गाइज वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप इस पे भी मुझे वैसा ही प्यार दीजिए जैसे कि उस वीडियो पे दे रहे हैं। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको अगर फायदा हो रहा हो तो भी मुझे जरूर बताना, तो मैं आपके लिए और रेमेडी जो मैं यूज करती हूँ तो वो जरूर लाऊंगी आपके लिए। और आप देख सकते हो एज का अंदाजा लगाना मुश्किल है तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, बट आपको रेमेडीज जो है वो मैं जरूर देती रहूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शालू मीना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।